मिस्टर रजत, ये पूरा कोर्ट खाली का खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राज, कोई भी लॉयर कालरा के भाई का मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। कमाल है, क्रिमिनल लाल मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता, वो क्यों? भाई मामूली आदमी थोड़ी है वो, इस शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का भाई है। दिन दहाड़े रास्ते पर एक आदमी को उसने चलाकर मार दिया। हाँ तो डॉन का भाई है तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? है एक आदर्शवादी सोशल वर्कर पांगे। जब फाइनल हियरिंग का टाइम होगा तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। नहीं राज, उसे पुलिस प्रोटेक्शन है, और फिर सब लॉयर्स ये जानते हैं कि पांगे अपनी जबान कभी नहीं बदलेगा, और अगर उसकी गवाही पर कालरा के भाई का वकील ये केस हार गया तो कालरा उस वकील को गोली मार देगा। और अगर जीत गया तो डूंगरी में ठस जाने का। ये भाई कौन है, कहां जा रहा है? जी वो कालरा साहब से। काम क्या है? वो उनके भाई के केस के सिलसिले में बात करनी है उनसे। वकील लग रहा है भाई। ठीक है ठीक है। इस फाइल के अलावा और भी कोई फाइल है क्या? नहीं, इसका इसका कॉपी चाहिए। कालरा भाई, वकील साहब मिलने आए आपसे। हेलो सर। कौन है तू? वो आपके भाई के मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ओ, बात कर से। पहले कोई मर्डर केस लड़े हो? जी नहीं, मर्डर केस तो नहीं लड़ा, लेकिन काफी बड़े बड़े केस हैंडल किए, जैसे रॉबरी केस, हाफ मर्डर केस। मर्डर केस भी निकालूं भाई। ए, क्या काला किसी को इधर भेज देता है? ए, जावा यहां से, बहुत काम है। काला साहब बात तो सुनिए मेरी। ए, मेरा दिमाग वैसे ही हाफ आउट है। मैं तेरे अंदर दो गोली डालेगा, पुलिस मेरे को पकड़ेगा, ये लोग मेरे लिए वकील ढूंढेगा। अभी जा जा। देखिए काला साहब, एक सेकंड, सॉरी। वैसे भी आपके भाई का केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मैं अपनी जान का जोखिम लेने को तैयार हूँ तो आप क्यों चढ़ रहे हैं? यकीन मानिए जीत हमारी होगी। तेरे को गुड नेम तारा। तारा जी प्लीज ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। ये भाई जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेले के जीत अपनी होगी। एक मिनट फिर ये पकड़ी। हाँ कोर्ट छोड़िए। काला साहब, आपके भाई का केस लड़ने का मुझे एक मौका दीजिए, उसके तकदीर के सितारे पलट जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। एक मिनट काला साहब, इसे ये मौका दे दीजिए। राणा साहब मेरी गारंटी पर, हाँ मैं भाई के दो नंबर के पैसे को मैं एक नंबर के धंधे में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, समझाइए सर इनको। टेल हिम ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। खुराना साहब, आप देवदूत हो, आप फरिश्ते हो, यू आर एंजल, एंड लेट मी टेल यू, यू आर ग्रेट सर। मैंने पहले भी तुझे ये सब करने से मना किया था ना तो फिर क्यों कर रहा? अब जाकर केस की तैयारी करो, वरना ये केस मैं वापस ले लूंगा। नो वे सर। काला साहब, आई थिंक यू वॉन्ट द केस, यू हैव डन इट सर। ओके तारा, इसे केस की डिटेल्स। तारा जी प्लीज कम कम कम। खुराना, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? मैंने खुद अपनी आंखों से तेजपाल जैसे होशियार और अकलमंद वकील को बेवकूफ बनाते देखा है। लड़का होशियार है, मौका नहीं मिला। अब यह केस तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगा। हाँ जानो जान, कितनी देर लगा दी, पता है हम कितने परेशान हैं? क्यों राज, तूने कालरा का केस लिया है? हाँ लिया है। तो और तेरे को पता भी है कितना खतरनाक आदमी है वो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है, समझा? अपनी जान को दांव पे लगाने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा और हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? जानू, ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तुम एक मिनट के लिए सोचो तो सही कि मुझसे शादी करके तुमको क्या हासिल हुआ? ये सड़ा हुआ छपरा, ये उजड़ी हुई बस्ती जिसे माशाना कहते हैं, आनंद महल नाय। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली औलाद इस जगह पर अपनी आंखें खोले। और तुम देखना, ये केस तो मैं चुटकी बजा कर जीत जाऊंगा। अच्छा, चुटकी बजाना जितना आसान काम है, तो फिर ऐसा कर, ये केस है ना मुझे दे दे, जो कुछ भी होगा ना मुझे होगा। मिस्टर मोहन, जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है, उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5:30 का वक्त रहा होगा कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आईं। मैंने मुड़कर देखा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वह गिर गया। इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मिलोर, मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड।
थैंक यू सर। ओ सॉरी। हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यह हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निर्डर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था, पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो जल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है, मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार बोलते हैं आप, आपकी नियत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? कालरा के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर कालरा को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया, और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है? नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। किस अनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो तुझे और तेरे इस फकीर को, दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है, लड़का इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया, इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बिचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो मुझे गोली मार देगा, और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर, मैं अकेला नहीं मरूंगा सर, मैं अपने साथ इस बुड्ढे को भी लिए जाऊंगा, मार डालूंगा मैं इसको, यहां से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है, मैं जान से मार डालूंगा सर। ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सत्ययुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार खुद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार खुद कर उस पर चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे, अगर वो थे तो वो कहां है? गलत, वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे,
जलने वाले मिस्टर त्रिलोक नाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोक नाथ जी की आग बुझाते बुझाते। क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चल पीछे चल। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, इनसे मिस्टर राज से एक सवाल पूछना है। आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगाया था या फिर झूठ को जिताने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया? एक मिनट, नो कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। वो तो होगा ही, क्योंकि सब जानते कि खून किसने किया और आग किसने लगाई। कमाल है राज, चंद रुपयों के लिए आपने इंसाफ की नीलामी कर दी, एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और इस दरिंदे को आपने छुड़वा लिया। मेरे भाई को दरिंदा कहता है तो? ये भाई खटा, तुझे सच खोजने की बहुत इच्छा है ना, तेरे घर वाले तेरी लाश को नहीं बचाएंगे। क्या कर रहे हो कलर पे? अब कर डालो। तू चुप कर। अरे इनको समझाओ यार, प्रेस वाले बैंड बजा देंगे इनकी। चल यहाँ से साला। क्या कर रहा? आज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन लेकिन याद रख, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इसी कोर्ट में तेरा इंसाफ होगा और इसी कैमरे के साथ मैं तेरी करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। बहुत बोल रहा है तू, फोड़ डालूंगा साले। ओके ओके ओके, बैठो यार गाड़ी में बैठो। कमाल है यार, मैं सबको चूना लगाता हूँ, इन्होंने मुझे चूना लगा दिया, मेरी फीस ही नहीं दी यार। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। ओ हाय, मुझसे फीस लेने में कोई प्रॉब्लम? यार काफी पब्लिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा। चलिए तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, आज तक का पता तो यही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल ये कप परेट पाले ही लिए जूस की भी हो सकता है। आज से तुम हमारी कंपनी में आ गए हो, तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। Are you sure? Not.